जब आई गया और जो कुछ चाहिए था जो तू ना दे पाई वो तो रब ने दे ही दिया। बस कान्हा जी है मेरी हीर की गोद में एक प्यारा सा बेटा खेले, उस घर का चिराग, मेरे संत का वंश आगे बढ़ाए। बिल्कुल बीजी, आई ना। सत श्री अकाल जी। घर का चिराग भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन उससे पहले चिराग के होने वाली परनानी आई है। बधाई हो जी, बधाई हो प्रीतो जी। आप चाहो या ना चाहो, आपकी नाती ने तो हमें खुशखबरी दे ही दी। कुरविंदर, हीर कहाँ है? बुला के लाओ उसे। जी। रुक जा, मैं जाकर मिल लेती हूँ। जी जरूर जाइए, आप ही की तो पोती है। और प्रीतो जी, दिल से आशीर्वाद दीजिएगा, पुराने सारे गिले शिकवे दूर करके। ए परमीते, ए फिक्र मत कर, ये जितनी बुरी दिखती है ना उतनी है नहीं, कोई दादी तो अच्छी है। चलिए। पता नहीं सिमरन ने अर्जुन से शादी की बात की भी होगी या नहीं। हे माता रानी, जल्द से जल्द बस दोनों की शादी हो जाए। ये क्या नया तमाशा है हीर? तू फिर आ गई प्रीतो? चुप चुप बोला तूने सबको, वो भी इतना बड़ा। पहली बात तो ये कि मैंने तुझे बोला था मेरे ससुराल के मैटर में ना पढ़ने के लिए प्रीतो, और दूसरी बात ये कि तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी शादी हो चुकी है, मैं क्यों माँ नहीं बन सकती? नहीं बन सकती तू माँ। क्यों? क्योंकि तू ऐसा नहीं चाहती। तुझसे बहस नहीं करने आई हूँ हीर। तो फिर क्यों आई है यहाँ, क्या बोलने आई है? नीचे चलकर सबको सच बता, अब मैं देखती हूँ इस बार तू मेरी बात कैसे नहीं मानती। चल। आंटी प्लीज, इस झूठ को झूठ ही रहने दीजिए, और इस झूठ में हीर अकेली नहीं, उसका पति उसके साथ है। पर एक पति के फर्ज याद आ रहे तुझे, तू भूल गया, तेरी बीवी होने से पहले ये मेरी पोती है। नहीं प्रीतो, अब मैं विराट की बीवी पहले हूं और तेरी पोती बाद में। अब मेरे लिए मेरे ससुराल का फर्ज पहले और सब कुछ बाद में। विराट, मैंने कहा था तुझसे कि शादी के बाद भी हीर की जिंदगी पे सबसे पहला हक मेरा होगा, उसकी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले मैं करूंगी। मैंने कहा था तुझसे, तूने वादा किया था, तूने हामी भरी थी, अब तू वादा तोड़ रहा है। तू अपनी जबान से फिर रहा है, और ये क्या कर रहा है? तू जानता है ये झूठ हीर पर भारी पड़ सकता है, तू फिर भी उसका साथ दे रहा है? प्रीतो, क्योंकि इसी झूठ में सिमरन की भलाई है, और तू इस झूठ को इतना बड़ा क्यों बना रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
शास्त्री, तो कल को ये तो सच होना ही है ना। मैं भी तो कभी माँ बनूंगी, विराट बाप बनेगा, हम दोनों के भी बच्चे होंगे ना। विराट बोलो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है, तुम दोनों को नहीं बताना, मत बताओ, लेकिन मैं जाकर बताऊंगी, मैं बताऊंगी सबको जाकर सच। ऐसा तो क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैंने अपनी पोती को अच्छी सीख, अच्छे संस्कार नहीं दिए। कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी, लेकिन सच तो मैं जाकर बताऊंगी। पीतू प्लीज रुक जाओ, मत कर। प्लीज आंटी, प्लीज, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। प्लीज आंटी, प्लीज रुक जाइए, प्लीज किसी से कुछ मत कहिए। प्रीतो जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? परमीत जी, बस इतना ही कि मैं 24 घंटे में यानी कि कल आती हूं। जी कैसी लग रही हूँ मैं? और दिनों से भी ज्यादा प्यारी, सबसे प्यारी है ना हीर। जब तुम माँ बनोगी ना तो ये ख्वाब ना मैं देख सकता, ना तुम्हें दिखा सकता, पर हीर ये सब झूठ है। आई नो विराट ये झूठ है, पर कभी ना कभी तो सच होगा ना। तो बस साफ साफ बात ये है कि तेरी हीर एक किन्नर है, किन्नर है। कहाँ खो गए बोलो, सच होगा ना कभी तो। मुझे ये सब नहीं चाहिए हीर। फिर आज तुम हमें आप रेडी है? चलिए नीचे, सब वेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा सिमरन, हम नीचे जाएंगे ना तो पूरी पूजा और रस्मों में मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ के, क्योंकि ये पूजा आने वाले बच्चे और माँ की रक्षा के लिए होती है। और प्रेग्नेंट मैं नहीं, प्रेग्नेंट तुम। चलो, अरे एक मिनट इधर आओ। तुम्हारे अंदर की जो माँ है ना, तुम्हारा अधूरापन उसे मार नहीं पाएगा, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से ही सही। तुम्हें माँ बनने की खुशी तो मैं दूंगा ही, ये वादा है मेरा। हीर पेट से है, पर ये कैसे? अब भाई ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कैसे। अब सामने से हीर के ससुराल वालों का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। चलो राखी, यहीं रुककर शन्नों पे कड़ी नजर रखना। जी। हम अभी आते हैं, चलो जी।